कोई है बाहर? हेलो हेलो कोई है? एक्सक्यूज मी, हम फंस गए हैं। हेल्प हेल्प। रिलैक्स रिलैक्स, ये क्या? हेल्प। अरे ये इजी, डोर लॉक हो गया बाहर से। तुम भी कमाल हो एकदम, तुम्हें भी कोल्ड स्टोरेज ही आना था क्या ढूंढते हुए? हेलो एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हेलो हेल्प। किसने कहा था मेरे पीछे पीछे आने को? हरलीन को पता चला तो वो क्या सोचेगी? वाओ, इस वक्त हम दोनों कोल्ड स्टोरेज में हैं और तुझे हरलीन की पड़ी है। और सरताज भी क्या सोचेंगे कि मैं उनकी फियांसी के साथ कोल्ड स्टोरेज में? बकवास मत कर बे। बकवास तू कर रही है। अरे जानो, तुम कहाँ जिन की तरह गायब हो गई थी? जिन नहीं जान, जीनी। और मुझे ना एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया था, बस वही करने गई थी। इम्पोर्टेंट काम? अरे ये मैंने सोचा ड्राई क्लीनर्स की यहाँ दे दूँ, पर शॉप ही बंद थी ना। अच्छा अच्छा, मैं कॉल करके आता हूँ। क्या बताऊँ, ये कम और नेमत को कमरे में बंद करने गई थी और हरलीन की बैंड बजाने। क्या हुआ? कमाल है, ठंड बर्दाश्त हो नहीं रही, ऊपर से एटीट्यूड। तू क्या स्टील का बना हुआ है, तुझे ठंड नहीं लगती? 100% स्टील का बना हूं। पागल है क्या? लड़कों का मसल मास ज्यादा होता है, इसलिए उनके अंदर ठंड बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होती है। हाँ, वो बात कुछ और है कि अगर दिल टूट जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। सच बोल रहा हूं, वरना अपने डॉक्टर फियांसे से पूछ लेना, मेरे वीरे को सब पता है। पहन ले। जो एटीट्यूड दिखाना है बाद में दिखा ले, फिलहाल ठंड पड़ रही है उसको बर्दाश्त कर ले, जो कर रही है वो करती रहे। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, नेमत और एकम को अकेले छोड़ के हमें नहीं जाना चाहिए था बाहर। आपको पता नहीं एकम बहुत रेस्टलेस हो जाता है नेमत को देख के। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरानी लव स्टोरी नए रंगों के साथ फिर से शुरू होगी? मौका मिलते ही प्यार के पंछी फुर्र हो गए। आप कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं है क्या? आपको जरा से भी शर्म नहीं आ रही ऐसे मेरी बहन और हस्बैंड पे इल्जाम लगाते हुए? अब इसे इल्जाम कहो या हकीकत, सच तो यही है कि वो दोनों यहाँ नहीं। प्लीज कुछ भी बोलना बंद करें, मैं जा रही हूं दोनों को ढूंढने, आपको आना हो तो आ जाना। अरे कोई है क्या? जब तक बाहर से कोई डोर नहीं खोलता मुझे लगता है अब हमें वेट करना पड़ेगा। वेट ही तो कर रहे इतनी देर से, और कर क्या रहे? किसी को पता नहीं चला यार क्या होगा। फिर क्या होगा, यहाँ से 5 फुट 4 इंच की और 6 फुट 2 इंच की दो बड़ी 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 कुल्फी निकलेगी बाहर यहाँ से, और क्या होगा? हंसी आ रही है, हंसी आ रही है, ठंड लग रही है ना, पता लग जाएगा। अरे भाई साहब, कोई कोई है? अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, थोड़ी देर और यहाँ पर रहे ना तो काम खत्म, गन मतलब गए। अरे कोई तो खोल दो यार। ठीक है,
जो ना होगा होगा, मैं डरना नहीं चाहती। मैं भी। ये कब तुम ठीक है? हाँ वो क्या थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हम दोनों ये नहीं भूल सकते कि हमारे बीच में क्या हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है नेमत के कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन हम पुराने वाले एकम और नेमत बन जाए? गलत है जब हमारे बीच में पहले जैसा कुछ है नहीं, तो पहले जैसे नेमत किस बन सकते हैं? वैसे भी अब हमारी लाइफ में और लोग हैं जिनके बारे हम नहीं भूल सकते। जिंदगी में सही गलती सब कुछ है क्या? जब जिंदगी हमारे साथ गलत करने से पहले नहीं सोची, तो हम आज आज सही करने से पहले क्यों सोचें? ये जो पल हैं वो बहुत थोड़े हैं नेमत, कि जिंदगी बहुत छोटी सी लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे छूट गए। मेरे लिए ना सही, लेकिन हमारे पुराने सपने के लिए सही। हमारी जिंदगी एक सपने की तरह है नेमत, जो सपना हम कभी पूरा नहीं कर सके, अपनी जिंदगी मौत की दहलीज पर उस सपने को दो पल के लिए जी तो सकते हैं ना? उसमें तो कुछ गलत नहीं है ना? क्या उसमें भी गलत है? बोल। अरे हाँ यार, पहुंच रही हूँ, बस वेट तो करो थोड़ा, आ रही हूँ आ रही। चेरी कहाँ जा रही हो ठुमक ठुमक के? हाँ शॉपिंग पे जा रही हूँ, उससे पहले मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के ले आइए, विदाउट शुगर। ओके। स्टोरेज में बंदा कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? खैर मैं इस बारे में टेंशन क्यों ले रही हूँ, मुझे किसी को मारना थोड़ी ना है। हाँ बस हरलीन को थोड़ा सा झटका देना है, और अभी तक तो हरलीन को झटके मिलने शुरू भी हो गए होंगे, और जल्द ही 440 वोल्ट का बड़े वाला झटका भी मिल ही जाएगा। अब एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं। Excuse me, आपने इनको कहीं देखा है? या आसपास कहीं भी? कहीं नहीं मिल रहे हैं वो दोनों, और यहाँ पे भी किसी को नहीं पता है कि वो लोग कहाँ गए। ये ना आपकी वजह से हुआ, आप क्यों लेकर आए बाहर? मुझे आपने क्यों छोड़ा उन दोनों को अकेले? मैंने आपको बताया था कि नेमत को देख के एकम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। नेमत के लिए आपको समझना चाहिए था ना जब मैंने बोला था। क्यों लेकर हो गया तुम्हारा? जितनी हाइपर हो रही हो और जितनी एनर्जी चीखने चिल्लाने में लगा रही हो, उतनी एनर्जी उन्हें ढूंढने में लगाओ, और फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन आपको भी हो रही है, फट से इतना दिखा नहीं रहे हैं। अरे ऑब्वियसली टेंशन तो होगा ना, मेरी भोली भाली सी मंगेतर तुम्हारे साइकोपति के साथ कहीं फंस गई है। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। हां मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, साइको वाइको नहीं है। हां तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है, इसीलिए तो यहां तुम्हारे बगल में खड़ा हुआ है। हेलो मिस्टर हस्बैंड, कैसे हो तुम? देखिए देख लिया मैंने, देख लिया कितना अच्छा है तुम्हारा हस्बैंड। मौका मिला नहीं कि मेरी मंगेतर को लेके उड़ लिया।
एक बार में डिसाइड क्यों नहीं कर लेती हो तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कह रही थी वो नेमत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और आप कह रही हो मेरा हस्बैंड दुनिया के सबसे अच्छा हस्बैंड है। तो डिसाइड कर लो ना कैसा है तुम्हारा हस्बैंड। जो कहानी खत्म होने को है उसे अपनी पसंद का अंत दे दे। जिसमें कोई तकलीफ, कोई कोई गम, कोई गिल्ट ना हो, जो सिर्फ प्यार दे, खुशी दे, सुकून दे, जो कब से नहीं मिला। अहमद कम से कम मरते मरते अपने इस नाकामयाब प्यार को कामयाब कर जाते, ये तो महसूस नहीं होगा ना कि हमारा प्यार अधूरा रह गया। तू देख आज तेरी आंखों में कितनी चमक है, कितनी खुश है तू आज, ऐसा लग रहा है जैसे तेरा नया जन्म हुआ। तुझे देख के भी तो लग रहा है जैसे 100 साल जिएगा और कल मुझे मिलेगा। सौ साल जितनी ठंडा भी लग रही है ना, उस हिसाब से लग रहा है कि 5 मिनट भी नहीं है। नानू नानी को फोन करके पूछो कहीं वहां तो नहीं गए लवबर्ड। अपना ये गुस्सा संभाल के रखो, जब तुम्हारा दुनिया का बेस्ट हस्बैंड आएगा ना उसे दिखाना। पता नहीं इनके साथ है कि मेरे दिमाग को क्या हो गया, पता नहीं मेरे दिमाग में नानू नानी को फोन करने का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ और आ रहा था। क्या? गुस्सा। हाँ हरलीन पुत्र, मैं बस तुझे फोन करने का सोच रही थी। पुत्र तुम लोग आए क्यों नहीं अभी तक? और अहमद कहाँ है? मुझे बहुत चिंता हो रही थी उसकी। नहीं नानी, मैंने आपको यही बताने के लिए कॉल किया है। सब ठीक है यहाँ पे, बस हम लोग थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। वो मिस्टर सरताज हम सबको ड्रॉप कर देंगे। हाँ टेंशन की कोई बात नहीं, आते हैं। बाय, टेक केयर। ठीक है पुत्र। एक अब तुम प्लीज कॉल करो, जहाँ भी हो मुझे जल्दी कॉल करो। तू इबादत मेरी, तू है मोहब्बत, तू किस्मत मेरी। बारियां बारियां जान बारियां, बारियां बारियां जान बारियां, हारियां हारी तुझ पे दिल हारियां, संग तेरे उम्र भर लवा उड़ारियां, संग तेरे उम्र भर लवा की हालत खराब हो रही है।
इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा। ओए, तुझे याद है हम बचपन में स्कूल में ऐसे बैठ के वो खेला करते थे एटलस याद है? पता नहीं अचानक कैसे याद आ गया। जिसमें हमेशा मैं जीती थी और तू हारता था ना। तू जीती थी, आज मैं जीतूंगा। चलिए काम करते हैं, शुरू करते हैं। डी से डेरी। डी से डेनमार्क। कोलालंपुर से रसोई घर। तेरी ज्योग्राफी आज भी बहुत वीक है ना। स्कूल में जब मैं पूछती थी तो याद है क्या बोलता था? बोलता था नेमत मुझे तो तेरे घर तक का रास्ता पता है। तो गलत क्या बोलता था? सही तो बोलता था कि मेरी सारी दुनिया उसी रास्ते पर थी। तो तू यही बोलता था ना कि तेरे घर का रास्ता याद था सिर्फ और कुछ नहीं। तू गेम 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 खेल ठीक है? फिर से आ गया। मैं सोच रहा हूँ ठीक है, तू बोलिए मत। आर से हेलो ए गेम अभी तक पूरा नहीं हुआ ठीक है। हेलो सुन रही है ना? कॉफी कुछ और भी चाहिए? हेलो हेलो चेरी भाभी, एकम नेहमत पहुंच गए ना घर? नेहमत और एकम, तुम सब तो लंच के लिए गए थे ना? एक सेकेंड, क्या हुआ? हली एकम नेहमत के साथ भाग गया क्या? मेरा मतलब है कि एकम और नेहमत ठीक तो है ना? जितना पूछा गया उतना जवाब दीजिए। एकम और नेहमत घर पर हैं या नहीं? नहीं। मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मामला अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो खड़े खड़े सीटी क्यों बजा रहे हो आप? अरे तो इसमें क्या है, वो दोनों बच्चे थोड़ी हैं। जहाँ भी गए अपनी मर्जी से गए और अब तक वापस नहीं आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया हो? क्यों? एकम मैंने अभी को इन्फॉर्म कर दिया, वो बाकी सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर रहा है और अभी ने अपने फ्रेंड सर्कल में भी बता दिया है। एंड मुझे अब जेन्युइनली बहुत टेंशन हो रही है। नेहमत एकम दोनों की पता नहीं दोनों कहाँ होंगे। मैंने आपको बोला था ना कि ऐसे नहीं छोड़ के जाना चाहिए आप। अरे ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई मुझे बताएगा कहाँ है वो दोनों? ठीक तो है ना? आपने उन्हें कैसे अपनी नजरों के सामने से जाने दिया ऐसे? क्यों मम्मी, मैं जानता हूँ आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कृपया शांति बनाए रखें। अगर मुझे कुछ हो गया तो नानी को
मुझे फिर से भाग रही जा रही है तू भाग के एक बात बताऊं कोशिश भी करेगी ना तू तो यहाँ से भाग नहीं सकती आप यहाँ के मैनेजर हैं जी तो पूरा रेस्टोरेंट चेक करवाइए यही कहीं होंगे दोनों पूरा रेस्टोरेंट मैम क्यों भाई कोई दिक्कत है एक लड़की और एसपी गायब है इस रेस्टोरेंट से जल्दी खोल चेती कर चल चलो 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 ये तो कोल्ड स्टोरेज सर यहाँ तो हम फल और सब्जियां स्टोर करते हैं अरे खोलो इसे हमें देखना है अब आएगा मजा